फाइव का केस पढ़ रहे थे। एबी फाइव का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। उसमें हम लोग लोन पेयर इंसर्ट कर रहे थे कि पांच बॉन्ड पेयर की बजाय चार लोन पेयर और एक लोन पेयर रखा। तो हमने बताया कि लोन पेयर को इक्विटोरियल में रखना ज्यादा फेवरेबल होगा, ज्यादा अच्छा होगा, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, शेप बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर हमने एबी थ्री एक्स टू का केस पढ़ा था, मतलब दो लोन पेयर रख रहे थे, तब भी ये पता चल रहा था कि दोनों लोन पेयर को इक्विटोरियल में रखना ज्यादा अच्छा होगा, और उसका प्रॉपर्टीज हमने एनालिसिस किया था, स्टडी किया था पिछले क्लास में। आज हम लोग फिर अगला केस इसका करेंगे, तीन लोन पेयर रखते हैं हम इसमें, ठीक है, हम तीन लोन पेयर रख रहे हैं। फोर्थ का जो होगा डी केस होगा ए बी टू एक्स थ्री। फाइव जो बॉन्ड पेयर था उसमें हमने तीन लोन पेयर कर दिया और एक बॉन्ड पेयर कर दिया, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से हो जाएगा। आप देखोगे आपके पास फिर यहां पे पॉसिबिलिटी होगा, देर आर फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। पहला केस क्या होगा, ऑल लोन पेयर एट इक्विटोरियल पोजीशन। सारा लोन पेयर जो इक्विटोरियल पोजीशन पे हो, ठीक है। जैसे देखिए ए लोन पेयर ये हुआ और ये हो गया बी और ये हो गया बी। दूसरा केस होगा टू लोन पेयर एट इक्विटोरियल एंड वन लोन पेयर एट एक्सियल। तो क्या होगा आप कहोगे ए दो लोन पेयर हम क्या करते हैं इक्विटोरियल पर रखते हैं, तो दो लोन पेयर इक्विटोरियल पर रखा और एक लोन पेयर को हम एक्सियल पर रख देते हैं। और फिर तीसरा केस होगा टू लोन पेयर एट एक्सियल एंड वन एट इक्विटोरियल। तीसरा केस हम लोग कर रहे हैं कि जो ए है उसके पास एक लोन पेयर इक्विटोरियल पे और दो लोन पेयर एक्सियल पे। अगर हम इन तीनों पॉसिबल केस को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप देखोगे यहां पर लोन पेयर रिपल्सन 3 at 120 degree angle। यहां पे गौर करोगे 1 at 120 degree angle एंड 2 at 90 degree angle। इसमें है 2 at 90 degree angle एंड 1 at 180 degree angle। इन सभी के आधार पे आपको दिख जाएगा कि ये जो है मोस्ट अस्टेबल स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल यही होगा, इसलिए ये और ये गलत होगा। मतलब यहां पर भी आपको क्या करना होगा, लोन पेयर को इक्विटोरियल पर रखना होगा। तो गौर कीजिए कि हमारे पास चाहे एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो या तीन लोन पेयर हो, हम लोग हमेशा लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे ही रख रहे हैं इन AB5 केस। AB5 के केस में मतलब यही सही होगा, लोन पेयर इक्विटोरियल पे होगा। चाहे एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, तीन लोन पेयर हो, आपको हमेशा लोन पेयर को AB5 में इक्विटोरियल पर रखना होता है। जैसे कि इसका आपने देखा कि इक्विटोरियल पर रखेंगे, और जब आप इक्विटोरियल पर रखोगे तो आपका जो शेप बनेगा वो साफ दिख रहा है कि वो बनेगा लीनियर। और अगर हम एक्सियल बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो एग्जैक्टली होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। जितना लोन पेयर रिपल्सन इधर से हो रहा होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन उतना ही इधर से हो रहा होगा, सभी तरफ से क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इक्वल हो रहा होगा, इसलिए लीनियर शेप रहेगा ये, ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गौर कीजिए, आठ मतलब देखिए 6 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो 8 XeF2 का केस साफ दिखेगा, जेनर में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, ठीक है।
अब हम लोग आगे केस करते हैं, एक्सजीएफ टू केस कर चुके हैं। मान लिया हम इस तरह से करते हैं आई थ्री माइनस, तो आईडी के पास सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक माइनस कर दिया मतलब एक और इलेक्ट्रॉन दिया, तो हो गया आठ, आठ हो गया तो उसके पास छह लोन पे रख दो आप और एक और दो बॉन्ड पे बना लो। इसी तरह से आईसीएल टू माइनस, आई एफ टू माइनस, ठीक है, बी आर एफ टू माइनस, ये सब बी आर सी एल टू माइनस, सबका क्या होगा स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा, बी आर थ्री माइनस, इन सबका जो स्ट्रक्चर होगा सेम होगा, वो इसी तरह का होगा जिसमें तीन लोन पेयर होगा और एक बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है, तीन लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, मतलब आपका एबी फाइव का केस होगा जहां पर लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग डील कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग अब अगला केस करेंगे ई केस ए बी एक्स फोर। तो ये केस नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको दिख रहा होगा नॉट पॉसिबल, फोर लोन पेयर का मतलब हुआ एट इलेक्ट्रॉन्स और वन बॉन्ड पेयर का मतलब हुआ कि वन बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन के लिए वन इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो टोटल नाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। आपको समझ में आ रहा है, आपके पास चार लोन पेयर है, चार लोन पेयर कोरस्पॉन्डिंग हो गया आठ इलेक्ट्रॉन्स और वन बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट करेगा, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया कितना हो गया नाइन इलेक्ट्रॉन हो गया। किसी भी एलिमेंट के पास नाइन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, टोटल नाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड विच इज नॉट पॉसिबल, जो नहीं होता है किसी भी एलिमेंट के साथ विथ एनी एलिमेंट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइन हो ये पॉसिबल नहीं है और इसलिए क्या होगा ये जो केस होगा वो संभव नहीं है, ठीक है, ये केस होगा वो संभव नहीं है। तो हम लोगों ने एबी फाइव केस को स्टडी कर लिया और एबी फाइव केस के स्टडी में हमने ये देखा कि आपका एबी फोर एक्सओ, एबी फोर एबी थ्री एक्स टू हो या एबी टू एक्स थ्री हो, यहां पर भी आप क्या कर रहे हो लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पे रख रहे हो, यहां पर भी आप क्या कर रहे हो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रख रहे हो और यहां पर भी आप क्या कर रहे हो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रख रहे हो, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रख रहे हो। याद रखोगे इन एबी फाइव केस, एबी फाइव के केस में क्या होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज केप्ट एट, ऑलवेज केप्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर आप लोन पेयर को रखते हो तो आपका ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सीसॉ, इसका स्ट्रक्चर होगा बेंट टी शेप और इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर, मतलब स्ट्रक्चर इन द सेंस शेप नॉट स्ट्रक्चर, सेफ बोलना चाहिए, स्ट्रक्चर तो एबी फाइव का केस है तो एबी फाइव का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का ही केस रहेगा, वो अलग बात है कि स्ट्रेन स्ट्रक्चर होगा थोड़ा और मतलब ज्योमेट्री जो होगा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन सेफ जो होगा अलग अलग होगा, सेफ इसका होगा सीसॉ, सीसॉ से, सीसॉ से इसका हम लोग लिखेंगे बेंट टी से, बेंट टी से इसलिए बिकॉज एग्जैक्टली टी नहीं होता है और ये जो होगा लिनियर शेप होगा, तो शेप की बात हम लोग कर रहे हैं ना कि स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एबी फाइव का केस, अब हम लोग एबी सिक्स के केस को स्टडी करेंगे। देखिए पांचवा केस है एबी सिक्स का केस, जैसा कि आप जानते हो एबी सिक्स एक पार्ट लिखते हैं, इसका आप जानते होंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, इसका स्ट्रक्चर और शेप जो होगा वो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर और शेप इसका ऑक्टाहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल वगैरह आप जान रहे होंगे, बॉन्ड एंगल जो होता है 90 डिग्री एंड 180 डिग्री,
जो भी है इक्वेटोरियल एक्सियल सारा बॉन्डिंग इसी तरह का होता है। बी केस हम क्या करते हैं, इसमें अब एक लोन पेयर को रखते हैं, लोन पेयर को हमने एक रखा। हमने आपको बताया था कि एबी सिक्स केस में जो पोजीशन है ये सब पोजीशन सभी इक्विवेलेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि यहां पर रखने पे आपको बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। इन ऑक्टाहेड्रल केस, इन ऑक्टाहेड्रल शेप स्ट्रक्चर ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, बट बीइंग एक्सियल बॉन्ड, मतलब बट एक्सियल बॉन्ड्स लिखते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आर एट आर ऑफ लार्जर बॉन्ड लेंथ, आर ऑफ स्लाइटली लार्जर बॉन्ड लेंथ, थोड़ा सा क्या होता है लार्जर बॉन्ड लेंथ वाला होता है, एंड हेंस कीपिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एक्सियल पोजिशन स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर, स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। देखिए पॉइंट यह है कि अगर आप एक्सियल पोजिशन, देखिए दो केस हो सकता है, आप इसको एक्सियल पर रखो या तो इक्विटोरियल पर रखो। एक्सियल या इक्विटोरियल दोनों पे रख के देखोगे तो आपको लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सारा एंगल डिस्ट्रीब्यूशन सेम आ जाएगा। मतलब सभी जो होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर जितना एंगल पे एक्सियल पे होगा उतना ही नंबर में इक्विटोरियल पे होगा, तो इसलिए उससे आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि लोन पेयर को कहां रखना ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात आप जानते हो कि एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लार्जर लेंथ का होता है कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड, और इसलिए एक्सियल बॉन्ड पे, एक्सियल पोजीशन पे रखना, एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर को रखना ज्यादा फेवरेबल होगा। बिकॉज एक्सियल पोजीशन पे रखने का मतलब है लोन पेयर थोड़ा दूर चला गया है, ज्यादा बॉन्डिंग मतलब ज्यादा दूर चला गया है, और ज्यादा दूर होने के कारण क्या होगा रिपल्सन घटेगा, और रिपल्सन घटेगा इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए जो AB5X का केस होगा वो क्या होगा, उसका होगा ए बी 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 और बी, एक ये होगा केस, और लोन पेयर क्या होगा एक्सेल पे होगा। अगर हम बात इसके शेप का करें तो आप साफ दिख रहा होगा कि स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल विल बी सेप, दिख रहा होगा कि स्क्वायर पिरामिडल है, और अगर शेप आपको ये दिख गया है, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल, इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल, गौर कीजिएगा कि नीचे लोन पेयर, इसके नीचे लोन पेयर, लोन पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, ये बॉन्ड, बॉन्ड पेयर है सब, और लोन पेयर नीचे है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन कम करने का उपाय क्या है कि बॉन्ड पेयर इस तरह की बजाय ऐसे हो जाए, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाए, तो इसीलिए क्या होगा जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो इज लेस देन 90 डिग्री हो जाएगी। इक्विटोरियल एक्सियल बॉन्ड एंगल जो होगा, इक्विटोरियल एक्सियल बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। देखिए ये जो है मैंने कहा कि जब प्लेन में है तो 90 डिग्री एंगल है, लेकिन जब सभी बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ये जो है इस तरह से 90 डिग्री है, उसमें जब ऐसे हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा 90 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल यहां पर डिस्टोर्ट स्ट्रक्चर होने के कारण, मतलब चूंकि एक तरफ लोन पेयर है एक तरफ बॉन्ड पेयर है, तो इधर से ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा तो सभी बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो बॉन्ड एंगल जो होगा 90 डिग्री मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम कुछ एग्जांपल लिखना चाहें, कुछ एग्जांपल लिखना चाहें इसका अगर हम, तो देखोगे आप एग्जांपल में क्या हो सकता है, एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं आपके पास 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला केस तो आप आसानी से लिखोगे, IF5, BRF5, BRCl5, ICl5,
ये सब का क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा सेम जो होगा इसी तरह का होगा। आप आसानी से समझ सकते हो कि एडीन है, फ्लोरीन है, पांच पांच बॉन्ड बना दिए और एक लोन पे रख दिए, तो आपको आ गया इस तरह का केस। ठीक है, अगर हम आठ इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, एक डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड चार, तो जेनॉन ओ डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, तो आप देख सकते हो कि क्या आ गया केस आपका। ठीक है, तो आपको यही करना था कि पांच बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो पांच और दो सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने सात का केस लिया, सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला केस लिया, या फिर हमने क्या किया आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला केस लिया लेकिन उसमें डबल बॉन्ड बनाया, तभी तो आपको पांच बॉन्ड अल्टीमेटली बन पाएगा। डबल बॉन्ड को एक हम लोग सेम और स्ट्रक्चर के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। अगर हम चाहें तो ऐसे फाइव माइनस भी लिख सकते हैं इस तरह का शेप का, क्योंकि आप देखोगे सल्फर के पास सात इलेक्ट्रॉन छह इलेक्ट्रॉन था, अब हो गया सात इलेक्ट्रॉन बिकॉज एक माइनस आपने ऐड किया है, तो अगर एक माइनस ऐड किया तो सात इलेक्ट्रॉन हो गया, तो पांच बॉन्ड आप आसानी से बना सकते हो इस तरह से, पांच बॉन्ड आप आसानी से बना सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये सब फाइव माइनस का केस हो गया, तो ये सब जो है आपका केस हुआ एबी फाइव का, एबी फाइव एक्स का। अब देखिए अगर हम बात करें बी पोर्शन है सी पोर्शन का, ए बी फोर एक्स टू का, ए बी फोर एक्स टू की बात करते हैं, तो ए बी फोर एक्स टू में फिर मैंने कहा ना कि यहां पर आपको एक्सएल पर रखना ज्यादा प्रिफरेबल होगा, तो आप क्या करोगे बी 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 और बी रखोगे यहां पर, और इधर एक्सएल पर रख दोगे, इधर एक्सएल पर रख दोगे, आपका जो यहां पर शेप बनेगा वो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर बनेगा, आपका जो शेप बनेगा स्क्वायर प्लेनर बनेगा। गौर कीजिएगा कि जो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर एक है वैसा ही नीचे एक है, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होने के कारण जो बॉन्ड एंगल होगा वो सब मेंटेन रहेगा, 90 डिग्री के एग्जैक्टली बराबर होगा ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है और इसलिए क्या होगा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एग्जैक्टली होगा, लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल निकल गया। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल में क्या होगा, चार बॉन्ड पेयर चाहिए, चार बॉन्ड चाहिए और चार इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में चाहिए, मतलब आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो तो XeF4 का केस लेते हैं, जेनन में आठ इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बॉन्डिंग कर लिया और चार इलेक्ट्रॉन क्या हो गया लोन पेयर के रूप में रह गया। IF4- का केस लेते हैं, ICl4- का केस लेते हैं, आयोडीन के पास सात था एक माइनस कर दिया, तो आपने क्या किया एक तरह से आठ इलेक्ट्रॉन कर दिया और आठ इलेक्ट्रॉन करके आपने चार बॉन्डिंग किया और चार को लोन पेयर के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस तरह से AB4X2 का केस हो गया। अगर हम डी केसेस में AB3X3 लिखते हैं, AB3X3 लिखते हैं तो ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। फिर वही बात आप देख सकते हो कि तीन लोन पेयर का मतलब है छह इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तीन बॉन्ड पेयर का मतलब है कि तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी तो तीन बॉन्ड पेयर बना पाएगा, मतलब नाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि संभव नहीं, नाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल, और इसलिए क्या होगा AB3X3 AB2X4 ये सब के संभव नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो है AB6 केस में आपने देखा कि आपके पास दो तरह का लोन पेयर हो सकता है, एक लोन पेयर हो या दो लोन पेयर हो, तीन लोन पेयर या उससे हायर लोन पेयर संभव नहीं है। और फर्दर ये भी देखा कि इस केस में AB6 केस में लोन पेयर को एक्सियल पे रखा जाता है, लोन पेयर को एक्सियल पे रखा जाता है, तो ये भी बात गौर कीजिएगा कि AB6 के केस में जो हमने AB5X लिखा और AB4X2 लिखा, ठीक है, इसमें क्या होगा लोन पेयर को हमेशा, लोन पेयर को आप हमेशा क्या करोगे एक्सियल पे रखोगे, बी लोन पेयर को आप हमेशा क्या करोगे एक्सियल पे रखोगे, जबकि एबी फाइव में लोन पेयर को हमेशा
इक्वेटोरियल पे रखा जाता है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना चाहिए, किसमें लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे करना ज्यादा अच्छा होगा। और सबका कुछ लॉजिक है, सभी का कुछ कारण है कि क्यों हम लोग एबी फाइव में इक्वेटोरियल पे रखते हैं, क्यों हम लोग एबी सिक्स में एक्सेल पे रखते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, स्क्वायर इसका पिरामिडल शेप हुआ, एक ही पिरामिडल होगा, बाई पिरामिडल, इसका स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते थे, स्क्वायर बेस है, ऊपरी पिरामिड सबको मिला हुआ वर्टिक्स तो स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, नीचे भी स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल इसका नाम था, इसलिए इसका नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। और इसमें अगर आप देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि पिरामिड तो आप ऊपर नीचे जा नहीं रहे हो, ऊपर नीचे तो आपका बॉन्ड है ही नहीं, तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बचता है केस एबी सेवन का। अगला केस हमारा है छठा केस, एक केस एबी सेवन। एबी सेवन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका, पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका, इसका स्ट्रक्चर जो होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल होता है। और अगर हम इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो होता है बीएबी वो 72 डिग्री एंगल होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड एंगल की बात करें अगर हम बीएबी तो 180 डिग्री एंगल होता है, और अगर हम एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल की बात करें, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यही एबी सेवन का केस है, हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसको। अब इसमें अगर हम लोन पेयर का अरेंजमेंट करें, हम क्या करते हैं एबी सिक्स एक्स। देखिए हमने एक लोन पेयर कर दिया, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एबी सिक्स एक्स में एक लोन पेयर है तो उसको हम इक्वेटोरियल पे भी रख सकते हैं, एक्सेल पे भी रख सकते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ये देखा जाता है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कीपिंग लोन पेयर इन इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन गिव्स मोर अस्टेबल स्ट्रक्चर, गिव्स मोस्ट अस्टेबल स्ट्रक्चर। अगर आप एक्सेल पर रखोगे उससे ज्यादा स्टेबल आपको इक्वेटोरियल पर रख के आएगा। देखो ए बिल्कुल उसी तरह से एनालिसिस करेंगे जैसा कि हम लोग बाकी केस में किए हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम शेप लिखेंगे तो गौर कीजिएगा कि पूरा का पूरा ये जो है स्क्वायर नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा स्क्वायर नहीं बल्कि डिस्टोर्टेड स्क्वायर होगा, और इसीलिए इसका शेप बोला जाता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चूंकि स्क्वायर बेस अगर रहता परफेक्ट तब जो होता वो होता ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहां पे डिस्टोर्टेड होगा, थोड़ा सा हम डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे बिकॉज आपका जो बेस है वो आपको दिख रहा होगा कि वो स्क्वायर नहीं है बल्कि एक क्वाड्रिलेटर, बस डिस्टोर्टेड टाइप का है स्ट्रक्चर, इसलिए डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये साफ है कि 72 डिग्री एंगल बॉन्ड एंगल नहीं मेंटेन रहेगा, एक्सेल बॉन्ड एंगल क्या होगा, एक्सेल बॉन्ड एंगल 180 डिग्री मेंटेन रहेगा, आप समझो, तो एक्सेल बॉन्ड एंगल 180 डिग्री मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, क्योंकि ये जो पोजिशन है वो इक्विवेलेंट है इक्विटोरियल में, कहीं भी आप रख सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं एक्सियल बॉन्ड एंगल भी मेंटेन नहीं रहेगा बिकॉज अगर कहीं भी एक पार्टिकुलर पोजीशन पर रखोगे तो आपका रिपल्सन इधर ज्यादा होगा, तो एक्सियल बॉन्ड एंगल भी क्या होगा 180 से कम हो जाएगा, और जब 180 से कम हो जाएगा एक्सियल बॉन्ड एंगल तो एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल भी 790 डिग्री से कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल ऑल बॉन्ड एंगल जो भी बॉन्ड एंगल है डिक्रीजेस फ्रॉम दैट इन एबी सेवन केस, एबी सेवन में जो भी बॉन्ड एंगल है उससे घटेगा। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि 6 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर,
मतलब 8 मतलब XGF6, देखिए XGF6 में क्या होगा, फ्लोरीन एक लोन पेयर होगा, फ्लोरीन 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 और इस तरह से फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। ये जो होगा आपका XGF6 का केस होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा मतलब शेप जो होगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें सी केस लेना चाहें ए बी 5x2, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो कि दो लोन पेयर का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, पांच बॉन्ड पेयर का मतलब है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इस केस में बस एक ही पॉसिबिलिटी होगा, एक ही लोन पेयर का केस AB6S। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहां पर इक्वेटोरियल प्लेन में रखना, लोन पेयर को रखना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर देगा। तो एकदम इस चीज को याद रखिएगा, AB5 में इक्वेटोरियल पे रखते हैं लोन पेयर को, एक रहे दो रहे तीन रहे, AB6 केस में एक्सियल पे रखते हैं लोन पेयर को, और AB7 केस में इक्वेटोरियल पे रखते हैं, 5 में इक्वेटोरियल पे, 7 में इक्वेटोरियल पे, और 6 वाले केस में, AB6 वाले केस में एक्सियल, ठीक है। यही जो है सारा पॉसिबल केस है जो उससे कि आप लोग को शेप और स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है अलग अलग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर ऑफ स्पेसिस के, लोन पेयर एट सेंट्रल एटम ऑफ स्पेसिस के साथ। तो हम लोग जो भी पढ़े हैं उसको बस हम लिस्ट करने जा रहे हैं, उसको बस हम एक जगह टेबुलेट करने जा रहे हैं। वीएसईपीआर थ्योरी में हम लोग को शेप और स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में इतना ही कुछ पढ़ना है, हम लोग अब सबको लिस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इधर स्पेसिस, इधर लिखते हैं हम लोग शेप, सिंपली शेप लिखते हैं, ठीक है, और फिर इधर लिखते हैं हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल लिखेंगे, फिर इधर लिख रहे हैं स्पेसिस शेप और बॉन्ड एंगल। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है, किस तरह का एग्जाम्पल आप सोचोगे, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग बस यहां पे जो भी होगा सारा स्पेसिस जो भी हमने पढ़ा है, सिर्फ बॉन्ड पेयर के साथ, सेंट्रल एटम पे सिर्फ बॉन्ड पेयर हो वो केस, और सेंट्रल एटम पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो दोनों केस, दोनों केस को हम लोग बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ए बी सेम था लिनियर, बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं था। दूसरा केस था ए बी टू, इसका भी सेप था लिनियर, स्ट्रक्चर भी लिनियर होगा जब बॉन्ड सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। अगर हम इसमें एक लोन पेयर कर दें तब भी इसका सेप था लिनियर और बॉन्ड एंगल तो डिफाइन ही होगा। थर्ड केस में अगर हम बात करें ए बी थ्री का, तो ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्यादा जगह चाहिए, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा और बॉन्ड एंगल होगा इसमें 120 डिग्री एंगल। अगर हम ए बी टू एक्स की बात करें तो बेंट शेप हो जाएगा, बेंट या वी शेप कह सकते हो या एंगुलर शेप भी कह सकते हो, बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री से कम होगा। अगर हम ए बी एक्स टू की बात करें तो शेप हो जाएगा लिनियर, बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं होगा यहां पर। चौथा केस अगर हम ए बी फोर का करें तो टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल यहां पर हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम ए बी थ्री एक्स का करें तो आप जान रहे होंगे कि पिरामिडल होगा, हमने डील किया था पिरामिडल होगा सेप इसका, और इसका बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। अगर हम ए बी टू एक्स टू की बात करें तो क्या होगा, बेंट से भी से फिर आ जाएगा, चूंकि सिर्फ आपको बॉन्ड पेयर से काउंट करना है तो और 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। अगर हम ए बी एक्स थ्री की बात करें तो ये लिनियर हो जाएगा, बॉन्ड एंगल तो इसमें डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम लिस्ट कर दिए हैं। पांचवा केस हमने बताया ए बी फाइव का केस, जहां पर आप आपका जो शेप था वो क्या था, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का केस था, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें 90 डिग्री, अगर हम एक्सियल इक्वेटोरियल की बात करें। अगर हम ए बी फोर एक्स कर रहे थे
तो सेप आ रहा था सीसॉ, इक्वेटोरियल पे रख रहे थे, बॉन्ड एंगल जो होगा लेस देन हो जाएगा 120 डिग्री, लेस देन हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम ए बी 3x2 की बात करें तो आपका आ जाता था टी से बेंट टी से, वो भी बेंट टी से बॉन्ड एंगल जो होगा वही 120 से कम हो जाएगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। अगर हम ए बी 2x3 की बात करते हैं तो लीनियर सेप होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा 180 डिग्री एक्सियल रहेगा, मेंटेन बस एक्सल एक्सल बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एक्जैक्टली रहेगा बिकॉज सिमेट्रिक है। छठा केस लेते हैं अगर हम ए बी 6 का, तो ऑक्टाहेड्रल का हो या स्क्वायर बाय पिरामिडल का, एक ही चीज है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल एक ही चीज है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री आता था इक्वेटोरियल एक्सल। सब ए बी 5x की बात करते हैं हम, तो लोन पेयर को रखना होगा हम लोग को एक्सियल पर, तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ए बी 4x2 का, तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, बॉन्ड एंगल जो होगा यहां पर क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोन पेयर का, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री 180 डिग्री होगा प्लेन में। सातवां केस अगर हम ए बी 7 की बात करें, तो आपका स्ट्रक्चर शेप होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होगा इक्वेटोरियल पे और 90 डिग्री होगा इक्वेटोरियल एक्सेल पे, और एक्सेल एक्सेल तो आप समझ लो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ए बी 6x करें, इसका होगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल इसमें ऑब्वियस सी बात है डिस्टर्ब होगा, 70 डिग्री से कम, 90 डिग्री से भी कम, ठीक है, 180 डिग्री से भी कम होगा एक्सेल एक्सेल बॉन्ड की बात करें तो। यही सारा लिस्टिंग है जो भी हमने वीएसईपीआर थ्योरी में पढ़ा, पिछले 3-4 क्लास से हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो यही सब कुछ पढ़ रहे हैं कि कैसे किसी पार्टिकुलर स्पेसिस का हम लोग स्ट्रक्चर एंड शेप डिटरमिनेशन करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा क्या शेप होगा फॉर एनी पार्टिकुलर स्पेसिस। समझ में आ रहा होगा आपको, ये हमने ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करके समझाया था अभी कि कैसे आप किसी पार्टिकुलर स्पेसिस का स्ट्रक्चर और शेप डिटरमाइन करते हो, ठीक है। अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड एंगल हम बोल रहे हैं कम है ज्यादा है थोड़ा कैसे कैसे बॉन्ड एंगल पे फर्क पड़ रहा है, ये बॉन्ड एंगल डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बॉन्ड एंगल को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है और किस तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास से बॉन्ड एंगल डिटरमिनेशन, बॉन्ड एंगल में जो फैक्टर्स होता है बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करने वाला उसको पढ़ेंगे।